हे नारायण, आज श्रीनिवास ने स्वप्न में मुझसे कहा कि आज मैं उसकी प्रतीक्षा करूं। कल अंतिम बार के लिए मेरी प्रतीक्षा करना भार्गव। मैंने वेंकटेश से समय भी मांग लिया है ताकि मैं श्रीनिवास से मिल पाऊं। मेरी बस यही आशा है कि मेरा ये स्वप्न इस बार सत्य सिद्ध हो और श्रीनिवास मुझसे मिलने अवश्य आ जाए। क्या हुआ, आप किस सोच में पड़ गए हैं? क्या कोल्हासुर को जागृत करने में आप मेरी सहायता करेंगे? उसे जागृत करने से पूर्व तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि उसकी शक्तियां कितनी प्रचंड है। बहुत समय पहले की बात है, ब्रह्मदेव ने 3 प्राणियों की रचना की। उनके नाम थे लावण, गया और कोला। प्रणाम ब्रह्मदेव। वो तीनों द्रव्य प्राणी थे, किंतु इन तीनों ने अपनी शक्तियों का अनुचित उपयोग करना आरंभ कर दिया। इनका व्यवहार असुरी था, इस कारण दिव्य होकर भी ये असुर कहलाए और इन्हें लावणासुर, गयासुर और कोलासुर कहा जाने लगा। अपनी शक्तियों से इन तीनों ने देवताओं और मनुष्यों पर बहुत से अत्याचार किए, इसलिए अंततः नारायण ने इनका वध करने का निर्णय लिया। लावणासुर को धनुष बाण से और गयासुर को सुदर्शन चक्र से नारायण ने अंत कर दिया। बस कोलासुर बचकर भाग गया और नारायण ने उसका अंत नहीं किया। तब से वो कोलासुर तपस्या में लीन है और अपने वर्षों की तपस्या से कोलासुर ने इतना तपोबल अर्जित कर लिया है कि अपनी शक्तियों से वो स्वयं नारायण को भी पराजित कर सकता है। और नारायण को इस बात का ज्ञान है, फिर भी वो कोलासुर का अभिमंत्रण मेरे द्वारा करवाना चाहता है। इसका अर्थ ये है कि नारायण कुछ ना कुछ योजना अवश्य बना रहा है। नारायण की योजना से हमें क्या लेना देना? अभी आप ही ने कहा ना कि कोल्हासुर नारायण को भी पराजित कर सकता है, फिर समय क्यों व्यर्थ करना? इस एक प्रयास से हम दोनों जो चाहते हैं वो हमें मिल सकता है आचार्य। कोल्हासुर उन व्यक्तियों का वध कर देगा जो मेरे शत्रु हैं, वेंकटेश और श्रीनिवास, और आपके लिए नारायण का वध कर देगा। मूर्ख हो तुम, केवल अपने शत्रुओं का वध करने के बारे में सोच रहे हो। क्या तुम्हें ज्ञात है कि कोलासुर इस संसार में महाविनाश कर डालेगा और इस गांव में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। कोई जिए या मरे उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, बस मैं और भार्या जीवित बच जाए। तो वैसे भी आप भी तो नारायण का वध करना चाहते हैं ना? तो बताइए आचार्य, आप मेरी कोल्हासुर को जागृत करने में सहायता करेंगे तो आपकी आपकी बड़ी कृपा होगी आचार्य। हाँ, धन्यवाद आचार्य। कितना मूर्ख है ये मासूम, इसे ज्ञात नहीं है कि श्रीनिवास के रूप में स्वयं नारायण कलवीपुर में उपस्थित है। अब समय आ गया है नारायण से प्रतिशोध लेने का। एक ऐसा महायुद्ध होगा जिसे ये संसार कभी भी नहीं भुला पाएगा। अब लगता है कोल्हासुर के करवीरपुर में स्वागत करने की तैयारी आरंभ करनी होगी। Thank you.
यशस्वी भवा। क्या बात है पिताश्री, आपका यूं अचानक यहाँ आना हुआ, और आप अपने साथ रक्षकों की ये सेना क्यों लेकर आए हैं? मैंने दो स्वप्न देखा। मैंने देखा कि तुम भयानक विपदा में घिरी हुई हो, इसलिए शीघ्र ही मैं यहाँ चला आया। पिताश्री, चिंता की कोई बात नहीं है, देखिए हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, और हम तो वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करने ही वाले थे। मुझे सूचना मिली कि आप यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए हम रुक गए। सोचा अब हम सब वापस साथ चल सकते हैं। अवश्य चलते हैं, किंतु राजन और ये समस्त सेना इतनी लंबी यात्रा तय करके आए हैं ये सब, तो इन्हें थोड़ा विश्राम करने देते हैं, तत्पश्चात हम चलते हैं। तब तक मेरा एक कार्य भी हो जाएगा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब क्या शेष कार्य रह गया है आपका यहाँ श्रीनिवास? गोविंदराज, यशस्वी भव, उचित समय पर आए हैं। अब जो मैं कहता हूँ उसमें बस हमें हाँ मिलाएंगे, समझ गए? गोविंदराज, इन्हीं का तो कार्य था, इन्हीं की तो बात कर रहा था मैं। इनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ चुका था, इतनी पीड़ा हो रही थी इन्हें, अब थोड़े ठीक हुए हैं तब जाके यहाँ आ पाए हैं, क्यों गोविंदराज? हाँ, अभी अभी थी, अभी अभी ठीक हुआ हूँ। अरे अरे गोविंदराज, चिंता मत कीजिए, आपको विश्राम मिलना चाहिए, इतनी लंबी यात्रा तय की है, इन्हें थोड़ा विश्राम करने देते हैं। पता चला हम वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान कर गए और इनका स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ गया, क्यों गोविंदराज? हाँ राजकुमारी जी, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो। नहीं नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हें पीड़ा हो, तुम विश्राम करो। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी। हाँ तब तक श्री, चलो आओ, तनिक तुमसे थोड़ा वार्तालाप भी कर लेता हूँ। चलिए चलिए। तब यहाँ हो क्या रहा है श्री? ये राजा आकाश यहाँ क्यों आए करवीरपुर में, वो भी अपनी संपूर्ण सेना के साथ, और ये कोल्हासुर का क्या चक्कर है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुमने मुझसे क्यों कहा कि वासु को वो कथा सुनाओ? एक क्षण के लिए शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। सभी बातें मैं अभी आपको नहीं बता सकता, विस्तार से आपको नहीं समझा सकता। आप बस जाइए और राजा आकाश की सेना को सज्ज रखिए, हमें उनकी आवश्यकता होगी। कोल्हासुर यहाँ कभी भी आता ही होगा। जागो कोल्हासुर, जागो, जागो। कोल्हासुर आओ। स्वागत है कोल्हासुर, तुम्हारा स्वागत है। जिस कार्य को तुमने बीच में छोड़ा था उसे परिणाम तक पहुंचाने का समय आ गया है।